खबर भारत हमेशा। यूक्रेन में फंसी रतलाम की बेटी, भयावह स्थिति देख छल के पिता के आंसू। परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज से लगाई गुहार। पटना में रिश्वत लेते सब इंजीनियर गिरफ्तार, इंजीनियर ने सरपंच से 20,000 की मांगी रिश्वत। खेल मैदान कार्य के मूल्यांकन के लिए मांगी थी रिश्वत। बिहार में कलेक्ट्रेट ने एशिया संवाद के विजेताओं को दी शुभकामनाएं। 4 विजेताओं ने जीता कांस्य और रजत पदक। जिलाधिकारी ने सभी को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। शुजालपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से किया दंड। और बागली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार 24 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 सालों से समय अस्थायी वारंटी दे फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरह। पहली खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ताजा मामला पवई जनपद पंचायत का है, जहां आरईएस के सब इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सिमरा खुर्द में खेल मैदान कार्य के मूल्यांकन के लिए सरपंच से 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 5,000 की रिश्वत सब इंजीनियर पहले ही ले चुका था। इसकी शिकायत सरपंच ने सागर लोकायुक्त में की थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रिश्वत की शेष राशि 15,000 लेते हुए धर दबोचा। आज हमने एक उपयंत्री अरविंद त्रिपाठी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक राम किशोर द्वारा जो है ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द में खेल मैदान बनाने के कार्य का मूल्यांकन करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, और उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, और आज हमने उपयंत्री अरविंद त्रिपाठी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा। मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता भाई सरपंच है, तो 8 महीने से खेल मैदान का कार्य पूर्ण हो चुका है 8 महीना पूर्व, और मैं त्रिपाठी इंजीनियर के यहाँ मूल्यांकन करवाने के लिए गया तो बोले कि 20,000 रुपये आप बोले दीजिए, तो मैंने 5,000 तीन दिन पूर्व दे दिए थे, और आज मैंने लोकायुक्त के समक्ष 15,000 की राशि उनके द्वारा दी गई। कहाँ पर राशि दी है आपने और लोकायुक्त ने रंगे हाथों तो पकड़ा है? किराए का कमरा लिए हुए हैं यहीं पवई में, तो वहीं कमरे में। तो पूर्व में भी आपसे राशि की मांग की जाती रही है, कितने दिनों से परेशान कर किया जाता रहा आपको? 8 माह से लगातार परेशान किया। पटना से टाइगर खान, टाइगर लीजिए आपकी खबर पर चर्चा हो रही है, आप बताइए दर्शकों को कि कौन था ये सब इंजीनियर, कितने समय से लगातार और कितने लोगों को परेशान कर रहा था? जी देखिए क्रांति जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है पवई जनपद पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र का है, जहां पे अरविंद त्रिपाठी नामक एक उपयंत्री जो कि 20,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जबकि पूर्व में 5,000 की राशि इनको दी जा चुकी थी, किंतु 15,000 रुपए की राशि के लिए लगातार फरियादी रामकिशोर पटेल को लगातार 8 माह से परेशान करते रहे हैं। आखिरकार फरियादी ने लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा और लोकायुक्त टीम ने कल 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरविंद त्रिपाठी उपयंत्री को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिल्कुल, गिरफ्तारी के बाद किसी कार्रवाई की बात की जा रही है? अरविंद से अगर पूछताछ की गई हो या जांच पड़ताल की गई हो या वहां के आसपास के कर्मचारियों से बात की गई हो कि आखिर ये अधिकारी कितने समय से लोगों को परेशान कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनता है।
जी देखिए, मैं बता दूं कि लगातार लोकायुक्त के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, किंतु भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के चलते कहीं ना कहीं इस पे विराम लगता हुआ नजर आता है और इन भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में जूं भी नहीं रोंगती है लगातार कार्रवाइयों के बाद बावजूद भी। जी बिल्कुल टाइगर, और इस खबर के साथ आपकी हम दर्शकों से जरूर बताना चाहेंगे कि लोकायुक्त की टीम हमेशा मदद के लिए तैयार होती है, बशर्ते वहां तक फरियादी पहुंचे, अपनी शिकायत को पहुंचाए तो लोकायुक्त गंभीरता से कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारियों के लिए टाइगर बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन में युद्ध के बाद अब हालात बिगड़ने लगे हैं, ऐसे में अब भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन में परेशानियां बढ़ गई हैं। यूक्रेन के युद्ध के बाद बिगड़ते हालातों के बीच रतलाम की एक बेटी भी फंसी हुई है। बता दें कि वैशाली एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी और वहां से एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया। इस भयावह स्थिति को देखकर उनके पिता के आंसू छलक पड़े। वैशाली के परिजनों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वैशाली को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। खबर भारत भी अपील करता है पीएम और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री से कि जल्दी ही इन लोगों की मदद प्रदेश सरकार करे। हेलो मैं स्टूडेंट हूँ खारकिव की, और जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और वॉर स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट भी बहुत बंद हो रही है, तो हमें कैसे भी करके इंडिया वापस जाना है, तो प्लीज़ कुछ आप अरेंज कीजिए या जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब ने कह दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में रखना है और जो भी है, और एम्बेसी ने भी कह दिया कि आप टेम्परेरीली कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो या मतलब कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए, थैंक यू। आज सुबह बात हुई तो उसको क्या कोई न्यूज़ पता नहीं चल पा रहा है, मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं पा रही है, तो क्या स्थिति है वहाँ की, क्या नहीं है, बस ये ज़रूर बोल रहे हैं कि पापा कैसे भी करके हमें बुलाओ। अच्छा, आपने भी यहाँ पर किसी से चर्चा की होगी? कलेक्टर साहब से चर्चा करी है मैंने, कलेक्टर साहब ने बोला हम जितने भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात होगी और जो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी होगी, जितनी भी हेल्प हमों से होगी हम ज़रूर करेंगे, उनसे बच्चों से बोलो आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क में रहें। अच्छा, आपकी क्या आशा है कब तक बच्चे रतलाम लौटेंगे? हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, बस बहुत टेंशन हो रहा, पूरा परिवार परेशान हो रहा है, और हमारे बच्चे नहीं सभी इंडिया के जितने भी बच्चे सब आए, सबके घर वालों को बहुत ज़्यादा फिक्र है। इतने दिन पता नहीं था हमें कि इतनी हालत ज़्यादा गंभीर होगी, हमें पता चल रहा था कि न्यूज़ चैनल जो बता रहा है वहाँ से बच्चों को ही बोल दिया गया, बोले न्यूज़ पे जो भी आ रहा है इतना फेक है, इतना सब कुछ हो नहीं रहा वहाँ। मैंने उसको जब भी बोला बेटा आ जा तो बोले कि पापा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना होना नहीं है, और अभी अब के बोले पढ़ाई भी चालू होने वाली है, ऑनलाइन क्लास चल रही, कॉलेज चालू हो जाएंगे, पांचवा साल है, पांचवा साल बिगड़ेगा आपका, मान लो आप चले गए कभी नहीं आ पाए तो। मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने एशिया संवाद चैंपियनशिप के 4 विजेताओं को मंगलमय शुभकामनाएं दी और पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता राहुल कुमार और उपासना आनंद, वहीं रजत पदक विजेता रोहित प्रजापति और निर्मल राज ने हासिल किया है। बहुत ही बुरा फील होता है जब सम्मान भी खिलाड़ी को दिलाने के लिए हमें खुद से खरीद के लाना पड़ा मोमेंटो, और यहाँ सम्मान के लिए समय लेने के लिए हमें 5 दिन दौड़ना पड़ा और तब जाके हमें समय मिला 12 बजे का आज का, और फिर भी आने के बाद की स्थिति बहुत ही भयावह है, और ऐसा अगर रहा तो खिलाड़ी को हम लोग प्रोत्साहित कर पाएंगे, खिलाड़ी 10 कदम और पीछे हो जाएंगे हमारे, जो कि कितने देर आज रुके हैं अभी तक? अभी हम लोग को करीब 4 घंटे हो चुके हैं, मैं तो 11 बजे से ही यहाँ पे आई हुई हूँ, और DOC सर से भी बात हुई हमारी, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, जबकि उनको भी पहले जानकारी जा चुकी है। कितने बजे का समय दिया गया? 12 बजे हमें बोला गया था। आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा से आज इनविटेशन था कि सभी खिलाड़ियों को सम्मानित की जाएगी, सारे खिलाड़ी 12 बजे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, जो 12 बजे का टाइमिंग था, अब तक ले इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। कितना घंटे हो? लगभग 3-3.5 घंटे तो हम लोग वेट कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो भी खिलाड़ी जो सम्मान यहाँ पे सारे खिलाड़ी बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं, क्योंकि सारे खिलाड़ी यहाँ से बहुत मेहनत करके जाते हैं, और वैसे खिलाड़ी हमारे पास में है जो कि अब इसको यहाँ पे निर्मल है, इसके पापा ठेला चालक है, अब वैसे जो कि आसपास से लोन पे पैसा लेकर जाते हैं खेलने के लिए, यहाँ पे रोहित है, इसके घर में मिट्टी का काम होता है, इस तरह का खिलाड़ी है, उपासना इसके पापा संत है, अगर इस तरह के खिलाड़ी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इस बात को खिलाड़ियों में खलता है कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा आगे का गेम, ये सारे खिलाड़ी का जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो चुका है।
शुजालपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी संजय मोरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार काला पीपल थाना में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में पंजीबद्ध अपराध न्यायालय में पेश किया गया था, जहां प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी देवराज को दोषी ठहराते हुए धारा 363, 366 और पॉस्को एक्ट की धारा में 6,000 रुपए के जुर्माने और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19/10/2020 इंदौर के मयूर नगर में युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है, जहां युवक बुरी तरह से घायल हो चुका है। दरअसल युवक विनय वर्मा और आरोपी जीवंत राठौर की ऑटो पर जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी जीवन और उसके साथियों ने पीड़ित विनय पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर क्षेत्र में गुंडा जुलूस भी निकाला गया। खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से ऑटो को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पर हमला कर दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर के खबर भारत के ब्यूरो हेड जहीन खान। जहीन, जिस तरह से खबर सामने आई है, फिलहाल घायल की जो स्थिति है वो कैसी है, पहला सवाल, और दूसरा सवाल, ऐसा कैसा विवाद शुरू हुआ कि विवाद इतना बढ़ गया कि हमला करना पड़ गया? ये आपको बता दें, ऑटो चालक से टकराने की बात थी, जिसको लेकर युवक पर जानलेवा हमला इंदौर के खजराना थाने में हुआ था। घटना में जो है बदमाश सहित खजराना थाना क्षेत्र के मयूर नगर के पास की जो है घटना है। विनय नामक युवक द्वारा जो ऑटो चालक जो जीवंत राठौर है उससे टक्कर हो गई थी, इसी बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि अन्य खड़े साथियों ने चाकू से जो है उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत अभी ठीक है। करते हैं जहीन, ये अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर में इन दिनों कुछ ज्यादा ही खबरें हम चला रहे हैं फ्रीक्वेंटली, अगर देखा जाए लगातार, कि अपराधों पर रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस। अब तो पुलिस प्रशासन प्रणाली लागू हो चुकी है, अब तो रोकथाम बहुत जरूरी है, ठोस कदम हो चुका है। जी, बड़ी बात है, इंदौर में जो है अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा। इसमें बड़ी बात निकल कर आए तो इसमें जो है नाबालिग जो युवक है, वो जो है अन्य किसी भी मामला हो, चाहे चोरी हो, लूट हो, डकैती हो या जानलेवा हमला हो, इसमें जो नाबालिग जो बच्चे हैं वो कहीं जो है इस पर जो पुलिस अंकुश नहीं भी लगा पा रही, और नाबालिग जो है इसमें जो है बड़ी मात्रा में नाबालिग जो है इसमें जो है वो करते नजर आ रहे हैं अपराध। बड़ी बात की जाए पुलिस प्रणाली की, कमिश्नर प्रणाली की इंदौर में,
सिंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, उसके बाद भी बात की जाए अपराध पर अंकुश लगाने की, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो सिस्टम है उसमें जो है नाबालिग जो है उनको वो समझा नहीं पा रहा है। जिससे जैसे बात की जाए नशे के आदि जो नाबालिग है वो इस तरीके के जो अपराध है इसमें लिप्त होते हुए ज्यादा नजर हो रहा है। पुलिस को जो है नाबालिग अपराध को रोकने पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा, इस ओर ध्यान दे कि पुलिस तो जरूरी अपराध कट बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहीन उदयनगर के थाना प्रभारी पतिराम डावरे ने वन अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी फरार एक नहीं बल्कि 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तत्परता दिखाते हुए ने न्यायालय में पेश भी किया गया है जो पूरी पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 15 साल से अस्थायी वारंटी फरार ये चल रहे थे। पुलिस विभाग में पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां एक साथ 24 अस्थायी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन सर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 2006 से स्थायी वारंटी जो वन अधिनियम के तहत जारी हुए थे उनको आज गिरफ्तार करके मान्यालय पेश किए जाए जो जिनकी संख्या 24 है। कितने वर्षों से फरार चल रहे हैं? लगभग 15 वर्ष से फरार चल रहे थे, इन्हें आज बागली न्यायालय में पेश किया गया। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।